अच्छा मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी GIT ट्रैक की, ठीक है। पेपर में भी आपको लिखने को आ जाता है इनके दरमियान डिफरेंशिएट करें। दो तरह की इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होती हैं, स्लो वेव्स और स्पाइक पोटेंशियल। स्लो वेव्स तो हर टाइम होती रहती हैं, रिदमिकल वेव्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी कि इनको प्रॉपर स्टिमुलस नहीं चाहिए होता, ठीक है, जनरेशन के लिए। जैसा हमने सीरियस में पढ़ा हुआ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि हर टाइम वहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है, कोई प्रॉपर स्टिमुलस नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एनहेंस भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन स्टिमुलस ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जो कि इस केस में भी हम देखेंगे कि इसका भी जो एक्शन पोटेंशियल है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टिमुलस। तो सबसे पहला पॉइंट आपने इन दोनों को याद रखना है कि ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है GIT के मसल्स की कि उनमें स्लो वेव्स प्रोड्यूस होती रहती हैं, जबकि ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल है। अब क्योंकि ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये कैल्शियम का ई फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता, इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकता, ठीक है, जबकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, एक्सेप्ट स्टमक में मे बी इन स्लो वेव्स की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जबकि स्पाइक पोटेंशियल ही GIT में असल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं। अब स्लो वेव्स हैं क्या, ये अनड्यूलेटिंग चेंजेस हैं RMP में। RMP आपने याद रखना है, जो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है, जो नर्व्स का नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -90 mV, जबकि GIT के स्मूथ मसल्स का आपने याद रखना है राउंड अबाउट -656 mV या 50-60 mV डिफरेंट बुक्स में बताया गया है। तो ये जो स्लो वेव्स हैं इनकी इंटेंसिटी क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितना चेंज होती है, ओनली 5-15 mV, ठीक है, 55 से लेके ये 45 तक जो है वो इनका RMP में चेंज आता है, और ये अनड्यूलेटिंग चेंजेस हैं इसी RMP के अंदर, ठीक है। और इनके जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3-12 पर मिनट है, ठीक है, कुछ रीजन्स में ये 3 वेव्स ही जनरेट होती हैं पर मिनट, ठीक है, जैसा कि स्टमक, जबकि जो आइलियम है या ड्यूडनम है, ड्यूडनम में ये 12 वेव्स जनरेट होती हैं पर मिनट और आइलियम में 9 वेव्स जनरेट होती हैं स्लो वेव्स पर मिनट, ठीक है। अब अगर ये स्लो वेव ना इस -45 तक है ना, ये अगर ये 40 से ऊपर जाएंगी, ये स्लो वेव अगर मैं कहूँ ये 40 से ऊपर जब जाएगी ना, तो इस स्लो वेव्स में से फिर हमारे पास बच्चों स्पाइक पोटेंशियल अराइज हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, स्पाइक पोटेंशियल के लिए -40 थ्रेशोल्ड लेवल है। हम इसे डिस्कस करते हैं। अब अगर हम स्लो वेव्स का कॉज अगर आपसे पूछा जाए, तो आपने बताना है कि कुछ जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं किजाल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ किजाल, ये प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स की लेयर्स के दरमियान, ठीक है, और इन्होंने लैटिस नेटवर्क बनाया हुआ होता है स्मूथ मसल की दोनों लेयर्स के साथ। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स ही जो हैं वो इस स्लो वेव का कॉज हैं, ये इसके लिए एज अ पेस मेकर एक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे हार्ट में ऐसे नोड जो है वो पेस मेकर के तौर पर एक्ट कर रहा था। इन सेल्स में साइक्लिक चेंजेस आते हैं और इनके जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं टाइम टाइम, ठीक है, और इन चैनल ओपनिंग की वजह से सोडियम जो है वो अंदर जाता है, और अंदर जो है वो हमारे पास पोटेंशियल में इतना सा चेंज आता है, लेकिन इतना सोडियम अंदर नहीं जाने देते कि -45 या 40 से ज्यादा चेंज आए, बस इतना सा ही चेंज आता है कि ये स्लो वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन अपॉन प्रॉपर स्टिमुलस ये इंटेंसिटी, ये शिद्दत जो है चैनल्स की ओपनिंग की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और फिर हमारे पास जब वो +40 से ऊपर जाता है तो स्पाइक पोटेंशियल जनरेट होती हैं। तो ये आपने याद रखनी है बुक से भी। हम ये अगर आप गाइडन की डायग्राम देखें तो जब -40 से नीचे था तब तक ये स्लो वेव्स थी, लेकिन अगर ये स्टिमुलस किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ये जो इंक्रीज आ रहा है RMP के लेवल में, ये -40 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर हमारे पास इसमें से स्पाइक पोटेंशियल अराइज होंगी जो -10 तक या 0 के लेवल तक जाती हैं, ठीक है। अब स्लो वेव जितनी ऊपर तक होगी ना हमारे पास, या जितना ज़्यादा डायरेक्शन में पॉजिटिव चेंज आएगा, उतनी ही हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। सो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि कितना RMP में चेंज आ रहा है। तो बस ये देखना है कि स्लो वेव्स जो हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं GIT की, और ये हर टाइम प्रोड्यूस होती रहती हैं GIT के ट्रैक्स में, ठीक है, और उसमें, जबकि अगर ये स्लो वेव का पोटेंशियल चेंज हो जाए -40 से ज़्यादा, तब स्पाइक पोटेंशियल अराइज होती है, और वो स्पाइक पोटेंशियल इन टर्न जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। स्पाइक पोटेंशियल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि चेंज कितना आ रहा है -40 के लेवल से, ठीक है, 1-10 स्पाइक्स पर सेकेंड भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट बात ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल फॉर एग्जांपल अराइज हुई है, फॉर एग्जांपल ये अगर स्लो वेव थी, ठीक है, इसके ऊपर जो स्पाइक पोटेंशियल अराइज हुई है ना, ये हमारे पास थोड़ी ज़्यादा देर रहती है एज कम्पेयर टू एक्शन पोटेंशियल जो कि हमारे पास अराइज हो रहा था उसमें, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे नर्व्स के अंदर इस तरह का एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा देर के लिए, बहुत कम देर के लिए रह रहा था, जबकि ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। तो ऐसा क्यों है इन दोनों का डिफरेंस? तो एक तो RMP का डिफरेंस है, इसका -90 mV होता है, ठीक है, और इसका थ्रेशोल्ड तकरीबन -70 तक होता है। इसका जो RMP है वो -56 हमने देखा है, और थ्रेशोल्ड -40 से ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरा चेंज ये है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है, ये ओनली सोडियम चैनल्स की वजह से होती है, और वो बहुत ज्यादा रैपिड ओपन और रैपिड क्लोज होते हैं, ठीक है। सोडियम अंदर आता है और हमारे पास डीपोलराइजेशन होते हैं, और उतनी जल्दी जो है वो ये चैनल क्लोज हो जाते हैं, सोडियम ई फ्लक्स रुक जाता है और पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है, और रीपोलराइजेशन होती है, तो रैपिड सोडियम चैनल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से हमारे पास ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये बहुत कम देर के लिए लास्ट करता है। ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है? यहाँ पे सोडियम चैनल्स नहीं होते,
बल्कि एक स्लो तरह के चैनल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स होते हैं। ये कैल्शियम चैनल्स हैं, इनमें से कैल्शियम अंदर आ रहा होता है लेकिन थोड़ा बहुत सोडियम भी अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये चैनल्स बहुत मतलब एक तो स्लो ओपनिंग भी इनकी स्लो ही होती है और फिर इनकी क्लोजिंग जो होती है वो भी काफ़ी स्लो होती है, ये काफ़ी टाइम लेते हैं, मतलब सोडियम अंदर आता रहता है और कैल्शियम भी अंदर आता रहता है, काफ़ी सेकेंड्स मिली सेकेंड्स लेने के बाद फिर ये क्लोज होते हैं। जब ये क्लोज होते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है कि पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं, पोटाशियम बाहर जाता है और रीपोलराइजेशन। तो ये डिफरेंस है हमारे पास इसकी लॉन्ग लास्टिंग का, कि इसमें हमारे पास जो चैनल्स हैं उनका डिफरेंस है। यहाँ रैपिड सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो रैपिड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन है, जबकि यहाँ पे स्लो एक्टिंग सोडियम कैल्शियम चैनल जो है वो एक्ट कर रहे हैं, जो आहिस्ता से खुलते भी हैं और आहिस्ता से क्लोज भी होते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे स्टिमुलस की वजह से हम इसको सेल्स को जेटी के सेल्स को हाइपरपोलराइज, ठीक है, या डीपोलराइज या लेस और मोर एक्साइटेबल बना सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास ऊपर जा रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हमें पता है इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जब डीपोलराइजेशन होती है तो सेल्स जो हैं वो हमारे पास मोर एक्साइटेबल हो जाते हैं। सेल्स क्या हो जाते हैं, मोर एक्साइटेबल हो जाते हैं। और ये किस तरह से हो सकता है, अगर जेटी के मसल्स को स्ट्रेच किया जाए तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी मसल्स जो हैं वो एक्साइटेबल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर एसिटाइलकोलाइन एक हार्मोन है जो पैरासिम्पथेटिक से रिलीज होता है, यानी पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू भी डीपोलराइजेशन फेवर होगी। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जो इस डीपोलराइजेशन को फेवर करेंगे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और नीचे वाली इस नेगेटिव डायरेक्शन में आने को कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के रिजल्ट में जो सेल्स हैं जीआईटी के वो क्या हो जाते हैं, लेस एक्साइटेबल। और ये लेस एक्साइटेबिलिटी किस तरह से अचीव की जाती है, ये अचीव की जाती है थ्रू, जिस तरह यहाँ एसिटाइलकोलाइन जो है वो डीपोलराइजेशन और मोर एक्साइटेबिलिटी कॉज करता है, इसी तरह दो हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है। भूख कम लगती है ना हमें जब या जीआईटी की मोर्टैलिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम टेंशन में होते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन इन सेल्स की रीपोलराइजेशन को फेवर करते हैं, यानी इसे लेस एक्साइटेबल बनाते हैं। उसके अलावा सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो क्या करती है, वो भी मोर्टैलिटी को इनहिबिट करती है जीआईटी की, और वो इसे क्या करती है, लेस एक्साइटेबल बनाती है। देन एक बात उसने की है कि जब भी ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, आपको पता है ये एक्शन पोटेंशियल जब सेल के अंदर आता है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैलता है, वहां से कैल्शियम रिलीज होता है, फिर कैल्शियम कैलमोड्यूलर मैकेनिज्म होता है और एक्टिन और मायोसिन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्लो वेव्स इस कैल्शियम ई फ्लक्स को कॉज नहीं कर सकती, बल्कि ट्रू एक्शन पोटेंशियल करता है, ये कैल्शियम कैलमोड्यूलर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, एक्टिन मायोसिन को करीब लाता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है और इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर एक चीज उसने बताई है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए तो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन बनती है, ठीक है। अगर तो नॉर्मली हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और फिर नीचे वेव आ रही है, हो रही है, तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रह गया और रीपोलराइजेशन नहीं हो रही, तो इसे हम कहते हैं टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन के तीन स्टिमुलस बताए हुए हैं, या आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है और ये कब और क्यों होती है। सबसे पहला इसका कॉज है एक्सेसिव स्पाइक पोटेंशियल। अगर ये स्पाइक पोटेंशियल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हो ना, तो फिर हमारे पास क्या होता है, इस तरह टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल टोटली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रह जाते हैं, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। या फिर हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे ये एक हार्मोन था एसिटाइलकोलाइन जो कि डीपोलराइजेशन को फेवर कर रहा था, तो ऐसे हार्मोन जो डीपोलराइजेशन को फेवर करते हैं वो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। एंड थर्ड, हमारे पास जो इंटीरियरली कैल्शियम आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, ये जो कैल्शियम इनफ्लक्स था ना, ये कैल्शियम बहुत ज्यादा आ रहा था सेल के अंदर सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर और वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था। अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो इंटीरियर ऑफ सेल में तो वो भी टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है। तो यहां तक आपने ये सारी चीजें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है क्या, इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है स्पाइक पोटेंशियल जीआईटी में वो नर्वस सिस्टम से किस तरह डिफरेंशिएट है ऑन द बेसिस ऑफ दीज चैनल्स। देन हमने बात की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डीपोलराइजेशन को फेवर करते हैं, यानी सेल को मोर एक्साइटेबल बनाते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे लेस एक्साइटेबल बनाते हैं। देन हमने एक कैल्शियम वाली बात की और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एंटेरिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम का, ठीक है, जो सॉरी जीआईटी का एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और उसकी डिटेल और उसका जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।